अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी साउथ इंडियन खुशका और कोरमा। कोरमे के लिए मैंने आधा किलो मटन ली हूँ, इसमें मैं डालूंगी आधा गिलास पानी, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच गरम मसाला पाउडर, पाव चम्मच नमक, इसमें डालूंगी आधा कटे हुए प्याज। अभी मैं इस पे ढक्कन लगाकर दो सीटी ले लूँगी। खुशके के लिए मैंने अढ़ाई गिलास बासमती चावल ली हूँ, इसे मैं 15 मिनट के लिए भिगा कर रखी थी। खुशके के लिए मैंने डेगचे में तेल डाल के रखी थी गर्म होने के लिए, ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 5-6 लौंग, 4 इलायची। अभी मैं डालूँगी 4 हरी मिर्ची और एक कटा हुआ प्याज। इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। प्याज लाल हो चुका है, हमें इतना ही लाल करना है। मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से पका लूँगी। अदरक लहसुन भुन चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टमाटर। टमाटर को हम थोड़ा सा गला लेंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी पुदीना, थोड़ी सी कोथमीर, टमाटर गल चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 3.5 गिलास पानी, जिसमें मैंने चावल ली थी वही गिलास में मैं डालूंगी। अभी मैं ढक्कन ढककर इसे उबाल आने तक के पकाऊंगी। पानी में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। इसमें डालूंगी नमक स्वाद के हिसाब से। अब चावल को मैं पकाऊंगी आधा ढक्कन ढककर। चावल का पानी सूख चुका है, अभी मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूंगी और इसे दम पे दे दूंगी बारीक गैस करके। माशाल्लाह खुशका दम हो चुका है, ये देखिए कैसे खिले खिले चावल पके हैं। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। गोश्त भी हमारा गल चुका है, अब हम कोरमा बघार लेंगे। कोरमे के लिए मैंने एक टोप में तेल डाल के रखी हूँ, इसमें डालूंगी 2-3 दालचीनी, 5-6 लौंग, 5 इलायची, 1 कटा हुआ प्याज। इसको मैं सुनहरा होने तक के पकाऊंगी। प्याज लाल हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 प्याज पिसा हुआ। अभी मैं पिसे हुए प्याज को भी थोड़ा सा भून लूंगी। प्याज भून चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टमाटर बारीक कटे हुए। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से भून लूंगी। मसाला भूनकर हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी 2 टमाटर पिसे हुए। इसको मैं अभी अच्छे से भून लूंगी। मसाला भून चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी आलू। मैंने 3 कटे हुए आलू ली हूँ। इसमें मैं डालूंगी पुदीना, थोड़ी सी कोथमीर। अब इसको 5 मिनट के लिए भून लूंगी। 5 मिनट मसाला भूनकर हो चुका है, अभी मैं इसमें डालूंगी उबला हुआ गोश्त। इसमें मैं डालूंगी 1 बाटी नारियल का दूध। इसमें 1/2 गिलास पानी डालूंगी। इसमें डालूंगी नमक स्वाद के हिसाब से, कम ही नमक डालूंगी,
क्योंकि मैंने गोश्त गलने में भी डाली थी। अभी मैं ढक्कन ढककर इसे 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। आलू गल चुके हैं, कोरमा भी तैयार हो गया है। अभी मैं गैस बंद करके इसे बाउल में निकाल लूंगी। माशाल्लाह, साउथ इंडियन डिश खुशका और कोरमा बनके तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना खुशका और कोरमा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।